Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel and please don't forget to subscribe my channel. Click on subscribe here. दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाली वीडियोस का लिंक आसानी से मिलता रहेगा। आशा करता हूं कि चैनल आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। गुड लक फ्रेंड्स, नाउ एंजॉय द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आऊँगा जिसमें कि 3 मंथ्स में आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश का कोर्स फ्री में करवाया जाएगा। तो अगर आप लोगों को इस बात का पता अभी चल रहा है तो आप मेरा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखें, उससे आपको पता चलेगा कि मेरा ये कोर्स किस तरह से आप लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बात बता दूं कि हम स्पीकिंग के साथ ग्रामर और वोकैबुलरी भी फोकस करते हुए चलेंगे, जिससे धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप होती जाएगी। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्पीक डेली रूटीन और डेली लाइफ। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है सब्जेक्ट आई। तो हम आई के साथ में बोलेंगे, आई मीन्स मैं, और हम बोलते चलेंगे। धीरे धीरे ये बिल्डअप होता जाएगा, आप लोगों को नॉलेज होता जाएगा। बस आपको इसे टारगेट करना है कि आपको इसे 30 टाइम बोलना है और अपनी नोटबुक में इसे लिखना भी है। ऑलराइट, मैं आप लोगों को सीधे सीधे इसके बारे में बताता चलता हूँ। तो आप लोग देखते जाइए, इसमें लिखा हुआ है वेक अप, ब्रश, डू सम योगा, टेक अ बाथ, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, ईट ब्रेकफास्ट। ऑलराइट, तो हम इसे किस तरह से बोलेंगे? आई वेक अप एट 5, आई ब्रश माई टीथ, आई डू सम योगा एंड एक्सरसाइज, आई टेक अ बाथ, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, आई ईट ब्रेकफास्ट। आपको इसमें कोई कनेक्टर यूज नहीं करना है, इसे सिंपली इस तरह से बोलते चले जाना है जिससे कि आपकी फ्लुएंसी वर्ब्स के साथ बन जाए। तो फ्रेंड्स आइए आगे चलते हैं। आई गेट रेडी, आई गो टू स्कूल, आई विश गुड मॉर्निंग टू माई कलीग्स and shake hands. I attend prayer, I go to class. Next is, I teach 10th class, I work for 4 hours and I come back at 1 o'clock, I drink some water, I take lunch, I take rest. इस तरह से आप लोगों को इसे practice करते रहना है। I teach tuitions, I check homework, I prepare coffee, I take coffee, I do martial arts. इसके बाद next आप लोगों को बोलना है I bring water, I cook dinner, I read books, I prepare video, I enjoy dinner, I listen to songs and I go to bed at 10 o'clock. So, अब friends हमें जब इस तरह से ये याद हो जाएंगे सारी चीजें, आप लोग इसमें कुछ verbs, basic verbs change कर सकते हैं जो भी आपकी मर्जी है। उसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टर्स की, क्योंकि हम अपना डेली रूटीन और स्पीकिंग इस तरह से नहीं करते कि आई गो टू मार्केट, आई परचेज वेजिटेबल। हम इसे इस तरह से बोलते हैं, आई गो टू मार्केट एंड आई परचेज वेजिटेबल्स। तो हम इन कनेक्टर्स को समझेंगे। एंड मीन्स होता है और, देन मीन्स होता है फिर या तब, After that means उसके बाद, और at 7, 8, 9 जो भी आप टाइम यूज करना चाहते हैं उसके आगे हम at यूज करेंगे। चलिए दोबारा से इस वीडियो को देखते हैं। शुरुआत से हम देखेंगे, जैसे मैंने यूज किया है यहाँ पर, देखिए कोई भी कनेक्टर अगर हम यूज करते हैं उसे रिपीट मत कीजिए, बार बार रिपीट उसी कनेक्टर को मत कीजिए। जो 4 कनेक्टर बताए हैं उनको अलग अलग तरह से रिपीट कीजिए। जैसे आई वेक अप एट 5, देन आई ब्रश माई टीथ, then I do some yoga, then I do some exercise, then I take a bath, then I prepare breakfast, then I eat breakfast. तो इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो ये थोड़ा awkward लगेगा। मैंने एक word use किया है अभी, awkward. Awkward word का meaning होता अजीब। Alright? तो आज की vocabulary में इसे भी add कर लीजिए, wake, brush, do और take, prepare and eat के साथ, awkward word. Alright? हमें हर दिन एक नया word सीखते जाना है जिससे कि हमारी वोकैबुलरी धीरे धीरे बिल्डअप होगी 3 मंथ्स और 6 मंथ में, और फिर हम फ्लुएंट हो पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करके देखते हैं। आई वेक अप एट 5 o'clock एंड ब्रश माय टीथ, मैंने एंड यूज किया है। देन आई डू सम योगा एंड एक्सरसाइजेस एंड टेक अ बाथ, देन आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट एंड ईट माय ब्रेकफास्ट। I get ready at 7 o'clock, then I go to school and wish good morning and shake hands with my friends. I attend prayers and go to
class. After that, I teach 10th class. I work for 4 hours and come back. Then I drink water and prepare lunch. Then I enjoy lunch at 2 o'clock. After that, I take some rest. Then I teach tuitions and check homeworks done by my students. I prepare coffee. Then I take coffee and do some martial arts. Okay, for practice. I bring water from tap, cook my dinner, read books. I prepare videos for you all guys late at night. Then I enjoy dinner and I listen to songs, old songs. I like old songs. And I go to bed finally at 10:30. So friends, I hope you enjoyed this video and you learned today's lesson. आज आप लोगों को ये lesson मैंने इसलिए दिया है कि आप लोगों को अपनी डेली रूटीन बोलनी है और कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को दिमाग में बिठानी है. अपना डेली रूटीन सोने से पहले alright, और जब आप ब्रश करते हैं उस टाइम माइंड में सोचते रहिए कि आप सुबह मॉर्निंग में आप जैसे ब्रश कर रहे हैं उस टाइम सोचिए कि मेरा डेली रूटीन क्या है. इंग्लिश में आपको आई के साथ में बोलना है आई गेट अप, आई ब्रश, आई वॉश, आई गो, आई टेक बाथ, आई कम, आई ऑलराइट. सो आई आई के साथ में आपको सिर्फ वर्ब मैच करनी है और आप लोगों का डेली रूटीन कंप्लीट हो जाएगा. तो इस वीडियो के साथ जब आपका डेली रूटीन कंप्लीट हो जाएगा तो अगर आपने कर दिया है ये वीडियो ऑलराइट और आपका डेली रूटीन कंप्लीट लेसन कंप्लीट तो मैं आपके घर आकर तो चेक कर नहीं सकता. अगर आप लोग इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिखेंगे डन तो श्योरली मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने अपना डेली रूटीन कर दिया है और आप चाहते हैं कि अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूं. आप अपना होमवर्क और अपने डाउट्स वहां भी बता सकते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल कमेंट बॉक्स में डन लिखिए. अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा. लेकिन आप लोगों को दो टाइम ध्यान रखना है, एक तो प्रैक्टिस करेंगे जब भी प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा आप कहीं घूमने जा रहे हों या सोने से पहले आपको ज़रूर डेली रूटीन बोलना है, और तीसरा जो है वो है आपका मॉर्निंग ब्रश ऑलराइट, ब्रशिंग टाइम. So while brushing, you need to speak your daily routine and I hope you will become fluent in English. Bye-bye, take care, till next video, till next lesson. Okay, don't forget to subscribe and share this channel with your friends, with your family members, and I hope they will also learn how to speak English. Bye-bye, take care.